हाय गाइस, तो स्वागत है आपका सीओसी के और एक अमेजिंग एपिसोड में। और आज हम TH11 से TH11 के ऊपर CWL का अटैक करने वाले हैं। और हमारे पास एक अटैक आ चुका है और हम अटैक करने वाले हैं। तो अभी मैंने आर्मी तो मेरी वही है हाइब्रिड, तो हम चलते हैं नंबर 19 के ऊपर अटैक के लिए। पर पहले देख लेते हैं किधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो चलते हैं। सीसी तो फुल है तो इधर से डालेंगे अपनी क्वीन को। तो स्टार्ट कर देते हैं अपना अटैक और अपनी क्वीन को ड्रॉप कर देते हैं। एक लून, 5 हीलर्स, एक लून इधर से, एक सुपर वॉल ब्रेकर ड्रॉप कर दिया था मैंने पहले ही, और बेबी ड्रैगन्स ड्रॉप कर दिए, और एक सुपर वॉल ब्रेकर। हमको अंदर की वॉल ब्रेक करनी है ईगल के पास से, जिससे ईगल मतलब ईगल डाउन हो पाए आर्चर क्वीन के साथ। एक वॉल ब्रेकर और एक रेज डाल देते जिससे वॉल ब्रेकर फोड़ देगा, नहीं तो कौन सा भी डिफेंस लॉक हो गया तो वॉल ब्रेकर फेल चला जाएगा। वैसे भी सुपर वॉल ब्रेकर है, फेल नहीं जाता। शायद से मैंने गलती कर दी रेज स्पेल डाल के, तो नहीं 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 क्वीन तो आ गई रेज स्पेल के, तो ठीक है क्वीन ने थोड़ा तो फ़ायदा उठा लिया रेज स्पेल का। और बराबर वॉल फूटी है तो अभी सीसी भी ल्यूर हो जाएगी, ल्यूर हो गई है सीसी। तो एक रेज स्पेल, एक पॉइजन डाल देते हैं, एक फ्रीज भी डालेंगे सीसी के ऊपर। तो अभी ड्रॉप कर देते और बाकी कुछ भी नहीं बचा अभी मतलब करने को। अभी क्वीन ईगल डाउन करेगी तभी हमको, अरे यार ये टोर्नेडो ट्रैप इधर इस वाले ना इधर हम डाल देते हैं मतलब एयर डिफेंस के ऊपर एक फ्री स्पेल। ईगल लॉक हो गया हीलर्स के ऊपर, यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। और एयर डिफेंस फूट जाएगा, एयर डिफेंस फूट गया और अभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, सिंगल टावर इन्फिर्नो के पास से हम किंग को डाल सकते हैं क्या? चलो ड्रॉप ही कर देते हैं अपने किंग को, SB को, और अपने माइनर्स को ड्रॉप कर देते हैं। हॉक्स को थोड़ी देर में ड्रॉप करेंगे। इस साइड का क्लीन अप से कुछ टाइम फेल हो सकता है तो हॉक्स को थोड़ा बचा के रखते हैं। नहीं नहीं माइनर्स चले गए तो बाकी के हॉक्स भी डाल देते। तो अभी हमको इधर एक हीलिंग स्प्रे ड्रॉप कर देते तब तक। और इधर से माइनर्स भी आ चुके हैं अपने, और इधर एक और एक हीलिंग स्प्रे ड्रॉप कर देते हैं। और हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है। क्या ये आर्मी निकाल पाएगी ये बेस को या फिर ये टाइम फेल होगा? और हमारे पास सीसी के हॉक्स निकल के आ चुके हैं। इधर एक और एक हीलिंग स्प्रे ड्रॉप कर देते हैं। और वार्डन की एबिलिटी पॉपअप करनी है हमें, पर अभी नहीं करेंगे थोड़ी देर। और बम टावर फूटेगा तो अभी कर देते अभी एबिलिटी पॉपअप, जिससे बम टावर का डैमेज से बच जाएंगे हॉक्स। और अटैक तो बहुत अच्छा जा रहा है पर टाउन हॉल के पास कोई भी नहीं गया और 35 सेकंड्स बचे हुए हैं। तो ये मुझे डर लग रहा है कि ये 1 स्टार ना आ जाए, कम से कम 2 स्टार तो आना चाहिए अटैक, क्योंकि मेरे माइनर्स और हॉक्स अभी लेवल मैक्स नहीं हुआ है। मतलब TH11 का मैक्स 5 लेवल के माइनर्स नहीं है और मेरे पास 7 लेवल के हॉक्स नहीं है। तो हॉक्स तो हो जाएंगे आज मेरे मैक्स मतलब TH11 के, और माइनर्स को मेरे को मैक्स करना है। अगर ये हो गए ना, अच्छा इधर माइनर्स बचे हुए तो टाउन हॉल तो फूट जाएगा। तो 2 स्टार तो कन्फर्म हो गया, पर ये टाइम फेल ही है। आज का भी अटैक हमारा टाइम फेल हो गया है। और जब मैं माइनर्स को पूरा कर लूँगा अपग्रेड तब कम टाइम फेल होंगे। तो ओके बाय।